मैं अपने आप को एक हैवी क्रिप्टो इन्वेस्टर मानता था, फिर मैंने 43,792,560 शिबा इनू के टोकन्स खरीद लिए करीब 1,00,000 रुपए में। उसके बाद जो हादसा और एडवेंचर हुआ वो तो इस वीडियो में देखना ही, थोड़ी बहुत लर्निंग्स भी ले लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप गेन और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर मैं आपको पहले बता दूं कि यार इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, जिसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत ओपिनियन शेयर किया है। तो भैया कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेना। अब शिबा इनू टोकन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। अब मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो ये दिन था मई 10 का। मैं कुछ दिनों से उदय कोटक के बारे में रिसर्च कर रहा था और मई 10 को मुझे स्क्रिप्ट लिख के वीडियो शूट करना था। अब यही मैं कर रहा था सुबह उठ के, पर दोपहर के टाइम जब मैंने कॉइन मार्केट कैप खोला तब मैंने देखा कि अरे जो शिबा इनू टोकन है ये काफ़ी बढ़े जा रहा है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने इस कॉइन का नाम सुना था कि एक मीम कॉइन है, तो मैं देख रहा था कि अरे बहुत तेज़ी से कंसिस्टेंटली 1000% बढ़ रहा है। पर जैसा कि हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो मैंने बोला कि भैया ये मीम कॉइन है, ये वैसे इतना बढ़ गया है, अब इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, और मैं अपने केस स्टडी पर काम करने लगा। तो इसी बीच मुझे ख्याल आया कि यार ये डोज कॉइन भी तो एक मीम कॉइन है, और वो आप देख ही रहे थे कि यार पिछले कुछ महीनों से कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब उस मीम कॉइन में इन्वेस्ट करके तो काफ़ी लोग करोड़पति बने होंगे, तो अब अगर शिबा इनू टोकन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें भी करोड़पति बन रहे होंगे, तो हमको क्या ये मौका मिस करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं सोच रहा था, उसी वक्त सुंदर चाचा ने हमारे दिमाग को पढ़ लिया और एक अचानक गूगल में कुछ सर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि उसी दिन 4:30 बजे बाइनेंस में शिबा इनू टोकन लिस्ट होने वाला है। अब ये मुझे पता है कि यार बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और जब वहाँ पे कोई कॉइन लिस्ट होता है तो वो बहुत पंपअप होता है। अब मैंने सोचा कि यार मैंने 1 करोड़पति बनने का चांस मिस कर दिया है, ये वाला अगर मिस कर दिया ना तो मैं बहुत रिग्रेट करूँगा। और वैसे मेरी अंदर की आवाज़ बोल रही थी कि भैया पैसे डूबने का चांस ज़्यादा है, बट कभी कभी ऐसे उल्टे ख्याल आते हैं ना कि सामने दिख रही है खाई हो, पर हमें अंदर घुस के देखना है कि भैया कितनी गहरी है। तो वही वाला थॉट मेरे में आ रहा था, तो मैं ढूंढने लगा भैया कौन से कुएं में ये शिबा इनू टोकन्स मिलेंगे। तो तब तक इंडियन एक्सचेंजेस में आए नहीं थे, बाइनेंस पे आया नहीं था, तो मुझे पता चला कि यार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप में ही अवेलेबल है। यूनिस्वैप मैंने एक दो बार यूज़ किया था, बट वहाँ पे गैस फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट मैंने सोचा कि भैया करोड़पति बन जाएंगे तो $100 अगर फीस दे भी दिए तो क्या दिक्कत होगी। तो मैंने यूनिस्वैप खोला, तब तक वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका था, 4 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से अपना मेटामास्क वॉलेट लिंक किया, और तब तक मैं मॉनिटर कर रहा था कि अरे शिबा इनू का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, मतलब पिछले एक हफ्ते में तो करीब 8,000% बढ़ चुका था। तो मैंने सोचा कि यार करोड़पति बनने के लिए अगर हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और वो 1,000 गुना बढ़ जाए, मतलब 100x हो जाए, तो बन जाएंगे। तो 1,00,000 इन्वेस्ट करने के लिए करीब 0.35 इथेरियम की ज़रूरत थी, और फाइनली ऑलमोस्ट 425 में मैंने यूनिस्वैप के सारे सेटिंग्स सेट किए, और उसके बाद जब मैं ऑर्डर प्लेस करने लगा तब होए ना। तो ऐसे 2-3 बार मैंने कोशिश किया, उसके बाद फाइनली ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ, और अचानक मुझे यूनिस्वैप वॉलेट में देखे कि यार अब मेरे पास 43,792,560 शिबा इनू के टोकन्स हैं। और मुझे लगा कि यार ये 1 रुपये हो जाए तो मैं तो यार पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही बार में पैसा कमा दूंगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब पूरी क्रिप्टो की इकॉनमी $2 ट्रिलियन है, और अगर ये शिबा इनू का टोकन 1 रुपये हो जाए तो शिबा इनू का मार्केट कैप भी $5 ट्रिलियन हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है एटलीस्ट अभी के लिए। पर तब तक तो मैं अपने आपको वॉरेन बफे मान रहा था, पीठ थपथपा रहा था कि यार क्या बढ़िया डिसीजन लिया है। तब थोड़ा बहुत और शिबा इनू का प्राइस बढ़ गया था तो मैं वेट करने लगा। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखा दूं, तो हम यूनिस्वैप पे चलते हैं और वहाँ पे जब हम ईथर स्कैन में जाते हैं तो सारी डिटेल्स मिलती है हमें ट्रांजैक्शन के बारे में। तो पहली बात अगर आप देखेंगे जो डेट और टाइम स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शन 4:30 के बाद हुई है, करीब 4:45 PM को हुई है, मतलब तब तक बाइनेंस में लिस्टिंग हो चुकी थी शिबा इनू टोकन की। और अगर आप प्राइस देखेंगे जितना इथेरियम मैंने स्वैप किया था $1,500 से ज़्यादा था, मतलब 1,12,000 रुपये से ज़्यादा था, उसमें से तो करीब यार $120 ट्रांजैक्शन फ़ी में चले गए थे, मतलब ₹9,350 ट्रांजैक्शन फ़ी गया था। अब भैया करोड़पति बन रहे हो तो 10,000 ट्रांजैक्शन फ़ी गया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अब ये जब ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद कुछ टाइम ये शिबा इनू टोकन बढ़ा, पर अपने को तो यार 100x का वेट करना था, तो मैं वेट करता गया, बट मैं देख रहा था कि यार ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, हमेशा 1-2% मैक्सिमम 3% तक बढ़ा होगा। तो मैं वेट करता रहा कि यार ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट धीरे धीरे ये उल्टी तरफ बढ़ने लगा, -1% -2%, और फिर यार मुझे टेंशन लगी कि भैया इतने सारे पैसे लगा दिए। वैसे तो हम ज्ञान देते हैं कि यार उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जितना, अगर 0 हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ तो लगता है नैया डूब रही है।
तो मैंने काफी रात तक वेट किया, तब मैंने देखा कि यार -3 से -2 हुआ, -1 हुआ। अगले दिन भी मैंने काफी वेट किया, पर फिर मुझे समझ आ गया कि भैया पानी सर के ऊपर चला गया, वॉरेन बफे अगली बार बनेंगे, अब जितना पैसा है उतना निकल जाए बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच थोड़ा बहुत शिबा इनू टोकन बढ़ा, करीब 1% गेन हुआ। मैंने बोला कि भैया अब अपना रिस्क एपेटाइट पूरा फुल हो चुका है, और फिर मैंने सेल ऑर्डर पे लगा दिया। तब भी थोड़ा सेल होने में टाइम लगा, तब भी फाइनली $135 मतलब करीब 9,850 रुपए गैस फी देके मैंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। मिला तो मुझे करीब $1,493 के इथीरियम, बट इस एक दिन में इथीरियम का प्राइस $3,946 से बढ़ के $4,181 हो चुका था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा हुआ। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि यार मुझे तो लगता है कि यार मैक्सिमम $100 का फायदा हुआ होगा, और उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लिया। मैंने बोला कि भैया ये करोड़पति के सपने छोड़ो, अपना सिंपल और थोड़ा कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करो। मैं तो जितना 4 साल में गेन किया है, 4 मिनट की बेवकूफ़ी में सब जीरो हो सकता है। और इस पूरे चीज़ में मुझे 3 मेन लर्निंग्स मिली। पहला कि यार किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करो जो आपको समझ नहीं आता। दूसरा, कभी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट करके इन्वेस्ट मत कर देना। और तीसरा कि भैया मीम कॉइन में इतना ज्यादा भी इन्वेस्ट ना करो कि फिर भगवान से माफी मांगनी पड़ जाए। तो अब होपफुली ये सारी लर्निंग्स को मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपने भी क्या ऐसे कुछ उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स किए कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी आपको क्रिप्टो करेंसीज खरीदने हैं तो आपको पता ही है कि यार कितने सारे एक्सचेंजेस हैं आजकल, कितने प्रमोशन चल रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया आप हर वीडियो में कोई अलग एक्सचेंज प्रमोट कर देते हो, तो यार होता है ये है ना कि यार हर एक एक्सचेंजेस के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो अब मान लो कि आपने WazirX डाउनलोड करके रखा है और क्रैश हो गया और आपको कोई कॉइन खरीदना है या बेचना है, तो अगर आपके पास सिर्फ एक एक्सचेंज होगा तो फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए इंडियन एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हर जगह अकाउंट बना के रखा ही करो, अकाउंट बनाने के तो पैसे लगते नहीं। और दूसरी बात, जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज वीडियो को स्पॉन्सर करता है वो कोई एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं करते हैं। हमेशा बोलते हैं कि भैया एक वीडियो बनाओ और फिर जितने यूजर्स आएंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे कि दूसरा वीडियो बनाना भी है कि नहीं। तो अलग अलग एक्सचेंजेस को हम प्रमोट करते हैं। पिछली बार मैंने हुबी ग्लोबल को प्रमोट किया था, जो कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अभी जब बिटकॉइन के प्राइसेस क्रैश हुए थे, आपने देखा था कि यार हमारा WazirX, CoinDCX, Go ये सब तो गए थे, बट फॉरेन एक्सचेंज में बाइनेंस, कॉइनबेस वो भी कुछ टाइम के लिए चले गए थे। तो अगर इस टाइम में आपको बिटकॉइन खरीदना होता तो फिर आपको तरीका ढूंढना ही पड़ता। और इसीलिए हुबी ग्लोबल आप यूज कर सकते हैं, अभी तक कभी हैक नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स पहले यहाँ लिस्ट होते हैं, बाद में बाइनेंस और दूसरे इंडियन एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे पहले खरीद लिया है तो जब प्राइस बढ़ेगा तब आप बेच सकते हो। इसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है तो इनके रेट्स भी कम होते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा होता है। और या तो आप WazirX से USDT/STRC20 टोकन खरीद सकते हैं, या फिर आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि भैया हुबी ग्लोबल को यूज़ करके दिखा दो, तो वही मैं दिखा देता हूँ। तो जब आप ऐप खोलेंगे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, तो सारी चीज़ें शुरुआत में मत ट्राई कर देना, पता चले पैसे डूब गया। जो चीज़ें समझ आ रही है धीरे धीरे करके सीखना। तो पहले तो यार अपना KYC करवा लेना, तो उसके लिए चाहे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या पासपोर्ट उसकी फ़ोटो खींच के अपना नाम डाल देना, एक दिन के अंदर KYC हो ही जाता है। और इसके लिए आपको $10 का एक पॉइंट कार्ड मिलेगा जिससे आपकी ट्रेडिंग फीस कम हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको खरीदना हो तो आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मिनिमम अमाउंट लिखा है कि यार कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो इनका ऐसे ₹1,000। आप आराम से इनके जो बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पर आप UPI से ₹1,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि यार 5 मिनट के अंदर हमें ₹1,000 वर्थ के USDT मिल जाएंगे। और थोड़ा वेट करते हैं, अब देखो फटाक से कैसे कुछ मिनटों में हमें मिल गया USDT। तो ऐसे अगर आप एक महीने के अंदर 100 USDT वर्थ का ट्रेड करते हैं हुबी ग्लोबल में, तो आपको $30 का एक और पॉइंट कार्ड मिलता है जिसमें फिर आपकी ट्रेडिंग फीस और कम हो जाती है। इसके अलावा इनका टोटल में $170 का बोनस पॉइंट अवार्ड्स मिलेंगे अगर आप 30 दिन में इन्होंने जो इतने सारे टास्क दिए वो पूरे करते हो। तो मैं बोलूँगा कि यार सोच समझ के करना, सारे टास्क एक साथ मत कर देना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हैं। और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे भी थोड़ा बहुत रेफरल इनकम मिल जाएगा। और हाँ यार, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ हुबी ग्लोबल का लिंक शेयर करते हैं जो कि इतना बढ़िया एक्सचेंज है ही, तो आपको भी उनका 30% ट्रेडिंग फी एज रेफरल इनकम मिलेगा, तो हुआ ना दोनों का फ़ायदा। इसके अलावा पूरे दिन क्रिप्टो एक्सचेंज में मत बैठे रहो, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। और हाँ यार, आप टॉपिक्स भी सजेस्ट करो कि यार कौन कौन से स्टार्टअप्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं। अभी कुछ क्रिप्टो के ऊपर रिलेटेड हम वीडियो बना रहे थे, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया लगता है ये क्रिप्टो ज्ञान हो गया है, पर ऐसा नहीं है यार, क्रिप्टो भी एक नई टेक्नोलॉजी है। आजकल कई सारे क्रिप्टो स्टार्टअप्स भी आ गए हैं, बट हमें फोकस स्टार्टअप पे करना है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप सजेस्ट कर ही सकते हैं। और इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि यार मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि यार म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्मॉल केस, इन सब में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में तो आप सारा पैसा लगा होगी नहीं, तो इसके बारे में भी आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना।
अगली बार कोई भी आपका दोस्त ऐसे उल्टे सीधे कॉइन्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रहा हो तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और थोड़ी बहुत क्रिप्टो की भी बात कर लेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।